दोस्तों हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रिप ज़रूर लगानी चाहिए। हेलमेट पहनने से कुछ नहीं होता, स्ट्रिप लगाना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षित रहिए और मसूरी में गाड़ियाँ आराम से चलाइए। आप इस गाड़ी को ले सकते हैं किराए पर बिल्कुल, और इससे ऊपर जा सकते हैं। और आप मेरे पीछे व्यू देखिए। और दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ, थोड़ी देर में बताऊँ ठीक है। पर दोस्तों आज बहुत दिन बाद एक ब्लॉग आने वाला है, और आज हम जा रहे हैं मसूरी। और एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगा क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से ब्लॉग बनाया नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा आज ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा एजिटेशन टाइप सा और कुछ ऐसे तरीके की चीज़ें हो रही है। थोड़ा आज एक वार्म अप ब्लॉग ही रहेगा, आप लोग ज़रूर देखिए और अंत तक बने रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों अभी मैं आ रखा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और केक लेने आ रखे हैं अपने दोस्त के लिए, उसका आज बर्थडे है। ये वाला कौन सा है, मतलब नाम क्या है इसका? पाइनएप्पल में है, वही पाइनएप्पल मतलब ऊपर से मैंगो है, अंदर से पाइनएप्पल है। ठीक है, एक को दे दो, एक इसको निकाल। दोस्तों बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं आया, और आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, आप लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। और आप देख सकते हैं, आपको मैं राजपुर का मार्केट दिखाता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा प्लान में चेंज किया है, और चेंज ये किया है कि हम मसूरी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगभग 1:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी हम हैं हाथी पाँव वाले रास्ते पे। जॉर्ज एवरेस्ट पहुंचने के लिए पहले क्या था कि ऊपर तक बाइक जाती थी, लेकिन अब ऊपर तक बाइक भी नहीं जाती है, पैदल जाना पड़ेगा। और पहुंचेंगे बहुत जल्दी, आप ब्लॉग में बने रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। और इसके बाद आप पीछे मेरे रास्ते देख रहे हैं, यहाँ से हमें पैदल पैदल जाना है। और थोड़ा सा ये पैदल ज़्यादा नहीं है, बाल भी मेरे बहुत ख़राब हो गए हैं हेलमेट पहन के, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। और अभी हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में जॉर्ज एवरेस्ट ऊपर, टॉप पर बहुत दूर है मुझे पता है, लेकिन आज ट्रैकिंग भी हो जाएगी और देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखिए पीछे मेरे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऊपर, और आवाज़ थोड़ी सी पता नहीं कैसी आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा ऐसा दिन जिस दिन छुट्टी ना हो, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियाँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कुछ और चीज़ें, क्योंकि आप देखिए मेरे पीछे वहाँ पर उधर कारें दिख रही होंगी आपको, पार्क हो रखी हैं, और यहाँ भी बाइक्स पार्क हो रखी हैं, और यहाँ मेरे पीछे इधर भी बाइक्स पार्क हो रखी हैं। और यहाँ पर पार्किंग का जो फीस है वो है 50 रुपये, आपको 50 रुपये देने हैं, और उसके बाद आपको पार्किंग यहाँ पे करनी है। आप देख सकते हैं कि इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा ऊपर ही गाड़ी खड़ी कर लें, तो बेस्ट है। मैं तो ऊपर गाड़ी खड़ी करके आया, निकल पड़े हम। दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा भी यहाँ पर चला रखी है, ये देखिए दोस्तों, आप एक गाड़ी देख रहे हैं दोस्तों, आप इस गाड़ी को ले सकते हैं किराए पर बिल्कुल, और इससे ऊपर जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और एक और बहुत ही बढ़िया जो है कि सिस्टम बना रखा है, वो सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, वो सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही बहुत अच्छा सिस्टम है, बस थोड़ा सा अफोर्ड करना पड़ेगा, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आप मेरे पीछे देखिए, हेलीकॉप्टर भी है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, और मैं अपना कैमरामैन खुद हूँ, तो इसलिए ज़्यादा वीडियोस में बीच बीच में नहीं बना रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अब ये रास्ता बन चुका है, लेकिन पहले रास्ता ऐसा नहीं था, और मैं यहाँ पर जस्ट यहाँ पर गिरा एक बार अपनी बाइक से जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था। दोस्तों कम से कम 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, और ट्रैकिंग जो कि रास्ता कह सकते हो आप इसे,
दिमाग अच्छा लगाया है उत्तराखंड सरकार ने कि हेलीपैड सेवा भी कर दो, हेलीकॉप्टर सेवा, और साथ में यहाँ ऊपर गाड़ियाँ मत जा रहे, तो नीचे पार्किंग के भी पैसे लगो। और अभी तुमने यहाँ पर एक छुटकी सी कार देखी होगी, उस कार से भी पैसे कमाओ। जबकि मैं आपको बताता हूँ, ये रास्ता इतना बढ़िया बना दिया इन्होंने कि यहाँ से आराम से ऊपर बाइकें जा सकती हैं। बाइकें क्या, कारें। आप देखो कितनी चौड़ा रास्ता, आप दिखाता हूँ, पाकिस्तान वाला टाउन है। देखिए दोस्तों आप इस रास्ते को, इस रास्ते में अगर दो कारें भी अगर ऊपर नीचे से क्रॉस भी होते तो आराम से हो जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ बाइक में नहीं लेके जा सकते। कारण क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग करके उसे किराया देना पड़ेगा, अच्छा नहीं है ये। तो दोस्तों जैसे आपको धूप देख के लग ही रहा होगा कि हम थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं और मेरे दोस्त थोड़ा सा आगे निकले हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये है एक ग्राउंड, और ये मत सोचना आप कि इस ग्राउंड में आके हम जॉर्ज एवरेस्ट पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ रास्ता, और वो टॉप हिल यहाँ पे, यहाँ हमें जाना है और बहुत दूर है। ये देखिए मेरे पीछे मेरे दोस्त, ये भी अब कुछ दिनों बाद ब्लॉगिंग करेंगे। कुल मिला के यहाँ आने का मतलब है कि यहाँ आओ और धूप सेको। आप देखिए, क्योंकि ऊपर टॉप हिल तक जाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, और कुछ नहीं है वहाँ पे। आपको थोड़ा नीचे का जो दृश्य है वो काफ़ी अच्छा लगेंगे, और मेरे दोस्त हैं, और सर्वप्रथम हम आपको किसी से मिलाना चाहते हैं। इधर आइए दोस्तों, इनका नाम है नेहा और इनका आज बर्थडे है। आप सब लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं इन लोगों के लिए हो जाए। थैंक यू। तो दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट के नीचे एक ग्राउंड है, और ये बन चुका है एक पिकनिक प्लेस, और आप यहाँ पर आइए और इस सुंदर से नज़ारे के जो है कि आनंद उठाएं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, देखिए आप लोग एक सेकंड, आप मेरे पीछे देखिए ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट है, और यहाँ पर अभी दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर क्योंकि कैमरे से नहीं दिख रहा है, बहुत सारी यहाँ पर भीड़ हो रही है, ऐसी भीड़ हो रही है जैसे कोई किसी मंदिर का रास्ता होगा। और ऐसी भीड़, मैं सच बताता हूँ, मैंने कभी सुरकंडा, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मंदिर है माता रानी का, और जब हम लोग सुरकंडा जाते हैं तो इतनी भीड़ मीन्स कि वहाँ पर भी नहीं होती, उसके रास्ते पर भी नहीं होती, ऐसा लग रहा है जैसे केदारनाथ का रास्ता ये होगा। और काफ़ी सुंदर है नो डाउट, आप लोग यहाँ पर आइए और एंजॉय कीजिए। अरे वाह क्या बात दोस्तों, मेरे फैंस दोस्तों हम उस तरफ तो नहीं गए, लेकिन अब हम जा रहे हैं इस तरफ ऊपर कहीं, ये जो ऊपर एक छोटा सा एक दिख रहा है टापू जैसा, और देखिए यहाँ गाड़ियाँ भी आती हैं। बहुत सारी वीडियोस बना ली, बहुत सारी जो है कि फ़ोटोज़ खींच ली, और दोस्तों ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, एक व्यू काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ, थोड़ी देर में बताऊँगा ठीक है। सकते हैं हम जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, और आज कैमरा पकड़ा है रश्मि मैम ने। अभी दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी थोड़ा सा देखो, वहाँ पर आप देखिए कि मैम थोड़ा उधर दिख रही थी। तो दोस्तों हम वहाँ भी जाएंगे, और अभी मेरे दोस्त जो है कि वहाँ पर है ऊपर, और उससे एक छोटी सी एक कैरी में, और फिर पता ना पड़ते ना देखो। तो दोस्तों आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू है, और आप लोग यहाँ पर आइए और अपने म्यूजिक जो वीडियोस होते हैं उनकी शूटिंग कीजिए। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ ना एक छोटी सी एक बिल्डिंग्स बनी हुई है, और आप मेरे पीछे व्यू देखिए, बेहतरीन व्यू है। दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ जहाँ हम ऊपर अभी आए हैं, यहाँ से नीचे वो ग्राउंड कैसा दिखता है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहेगा है ना, तारे वारे काफ़ी हैं यहाँ पे, वाह बेहतरीन। तो
तो दोस्तों ये जो यहाँ पे व्यूज़ हैं बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, आप लोग आइए। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, और मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है कि यहाँ पर हम अपने आने वाले सॉन्ग है गेला का जो एक वीडियो बनाएंगे। गाना जो रिकॉर्ड हो गया था 2016 में रिकॉर्ड हो गया था, अभी तक हमने उसका वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अब उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हो सकेगा तो मैं रहूँ या ना रहूँ सॉन्ग का वीडियो यही बनेगा। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ पर से मसूरी के लिए और देहरादून का रास्ता जाता है, तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं देहरादून के लिए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे एक जगह पे, इस निर्वाणा रेस्टोरेंट, और अभी हम यहाँ पर कुछ खाना वाना खाएँगे, और काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर आप देखिए। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर मैच चल रहा है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे मैच देखते हैं, आज पाकिस्तान जीतता है या फिर इंग्लैंड। क्या छोड़ल रेल जीतेगा इंग्लैंड। अकाल मृत्यु करता काम करता वो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अद्भुत अविश्वसनीय अकारात्मक अदित्य तुल्य, भोलेनाथ को नमस्कार।